भजन संहिता अध्याय 55। भजन संहिता अध्याय 55। हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरी गिड़गिड़ाहट से मुंह न मोड़। मेरी ओर ध्यान देकर मुझे उत्तर दे। मैं चिंता के मारे छटपटाता हूं और व्याकुल रहता हूं, क्योंकि शत्रु कोलाहल और दुष्ट उपद्रव कर रहे हैं, क्योंकि वे मुझ पर दोषारोपण करते हैं और क्रोध में आकर मुझे सताते हैं। मेरा मन भीतर ही भीतर संकट में है और मृत्यु का भय मुझसे समा गया है। भय और कपकपी ने मुझे पकड़ लिया है और भय के कारण मेरे रोए रोए खड़े हो गए हैं। और मैंने कहा, भला होता कि मेरे कबूतर के से पंख होते तो मैं उड़ जाता और विश्राम पाता, और देखो फिर तो मैं उड़ते उड़ते दूर निकल जाता और जंगल में बसेरा लेता। मैं प्रचंड बयार और आंधी के झोंके से किसी शरण स्थान में भाग जाता। हे प्रभु, उनकी सत्यानाश कर और उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल, क्योंकि मैंने नगर में उपद्रव और झगड़ा देखा है। रात दिन वे उसकी शहरपनाह पर चढ़कर चारों ओर घूमते हैं और उसके भीतर दुष्टता और उत्पात होता है। उसके भीतर दुष्टता ने बसेरा डाला है और अंधेर, अत्याचार और छल उसके चौक से दूर नहीं होते। जो मेरी नामधराई करता है वह शत्रु नहीं था, नहीं तो मैं उसको सह लेता। जो मेरे विरुद्ध बढ़ाई मारता है वह मेरा बैरी नहीं है, नहीं तो मैं उससे छिप जाता। परंतु वह तो तू ही था, जो मेरी बराबरी का मनुष्य, मेरा परम मित्र और मेरी जान पहचान का था। हम दोनों आपस में कैसी मीठी मीठी बातें करते थे। हम भीड़ के साथ परमेश्वर के भवन को जाते थे, उनको मृत्यु अचानक आ दबाए, वे जीवित ही अधोलोक में उतर जाए, क्योंकि उनके घर और मन दोनों में बुराइयां और उत्पात भरा है। परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर में मैं दोहा ही दूंगा और कराहता रहूंगा, और वह मेरा शब्द सुन लेगा। जो लड़ाई मेरे विरुद्ध मची थी उससे उसने मुझे कुशल के साथ बचा लिया है। उन्होंने तो बहुतों को संग लेकर मेरा सामना किया था। परमेश्वर जो आदि से विराजमान है यह सुनकर उनको उत्तर देगा। ये वे हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं और उनमें परमेश्वर का भय है ही नहीं। उसने अपने मेल रखने वालों पर भी हाथ छोड़ा है, उसने अपनी वाचा को तोड़ दिया है। उसके मुंह की बातें तो मक्खन की सी चिकनी थी, परंतु उसके मन में लड़ाई की बातें थी। उसके वचन तेल से अधिक नरम तो थे, परंतु नंगी तलवार थी। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। वह धर्मी को कभी डामाडोल होने न देगा। परंतु हे परमेश्वर, तू उन लोगों को विनाश के गड्ढे में गिरा देगा। हत्यारे और छली मनुष्य अपनी आधी आयु तक भी जीवित न रहेंगे, परंतु मैं तुझ पर भरोसा रखे रहूंगा।